हराने के लिए खुद ही हारे गए, खुद ही हारे गए। किसने हराया? बोले विंध्यावली ने। विंध्यावली कौन थी? बोले नारी थी, और नारी के आगे किसी की पेश नहीं गई है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं खोले शब्दों में कहा। और विंध्यावली कौन थी? नारी, और नारी की तो पार देवता ने नहीं जान पाई। जा नारी के अंदर पता नहीं क्या क्या ऐसा छिपा हुआ है। कौन सी नारी? जरा ध्यान देना, कौन सी नारी थी वो? भैया दीपक और खुशी भये तिरलोकी, और ब्रह्म कमंडल से उतरी गंगा शिव शंकर लोकी। के आए और एक बात कही, राजन जैसे तू साधारण महात्मा समझ रहा है, ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। बोले तो, और क्या बोले हैं? शुक्राचार्य जी राजा बलि से महाराज लिखा इस रागड़ी के द्वारा, अरे सोच समझ और मति बनिए सो नारी रे, और जे छलिया कोई चोर दिखावे जी तो मिटी ले रजदानी रे। भैया रागड़ी गाते हैं हरियाणा वाले लोग। हरियाणा में ऐसी ही ज्यादातर रागड़ी गाई जाती है। लिखा है, जरा ध्यान देना, विचार करना मेरे भैया, अरे सोच समझ कर दान कर राजा, और मति बनिए सो दानी दे, चोरा दिखा मैं जितो लूटी ले बोला जा दानी रे। और क्या बोले हैं शुक्राचार्य जी अपने शिष्य राजा बलि से? राजन सुनो, अरे हिरणा को संग को मारन को जनी, और बेसुजना नो धारो रे, अरे भस्मा सुर को भस्म की। तीरमा चाना थुमी भरत
और मैं पीछे न कदम हटाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। बोले हैं राजा बलि बाबा भगवान से प्रभु, दो बल्कि 101 यज्ञ करने की ठानी। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, विचार किया इसकी यज्ञ 100 पूर्ण हो गई तो इंद्रपुरी का राजा बन जाएगा। चले हैं इंद्र कहां, भगवान विष्णु के पास, और क्या बोले भगवान, बोले उस राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के उसकी यज्ञ को रुकवा, अर्थात उसकी 100 यज्ञ पूर्ण हो गई तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा और मैं अपना इंद्रासन किसी को नहीं देना चाहता हूं। मेरे भैया अब तो उसी समय भगवान विष्णु ने सुंदर सा रूप बनाया। कैसा, इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए कि बामन अंगुल का रूप धारण किया। और जब बामन अंगुल का रूप धारण किया है, कहा इंद्र अब मुझे कोई पहचान तो नहीं पाएगा। बोले नहीं, सुनो क्या बोले, आज बेटा पर हो तो जाना पड़ेगा, लेकिन उस तीन लोग के नाथ से बैर मत करो। प्रहलाद जी समझा रहे हैं, मगर हिरण्यकश्यप एक नहीं माना। और जब हिरण्यकश्यप एक नहीं माना है, श्रोताओं श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षक, आज की जान करवाए और चरण छू करके अपने धाम के लिए चला गया। बोलिए सच्चे दरबार की।